नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से बनेगी अटेंडेंस, शिक्षा विभाग के निर्देश। बिहार के जिले में रोजगार मेला का हो रहा आयोजन। राज्य में भीषण गर्मी से बचने के लिए सीएम ने विभाग को दिए निर्देश। 29 जिलों के प्रभारी मंत्री में हुए बदलाव। आज भारत अमेरिका के बीच मुकाबला, प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से बनेगी अटेंडेंस, शिक्षा विभाग के निर्देश। बिहार के किसी भी स्कूल में अब शिक्षक, हेडमास्टर और बच्चे स्कूल बंक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब राज्य में शिक्षक से लेकर बच्चों तक का अटेंडेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। इस मोबाइल ऐप का नाम ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप रखा गया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए शिक्षक और हेडमास्टर आते जाते प्रतिदिन क्रम से स्कूल इन और स्कूल आउट का बटन क्लिक कर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। सभी शिक्षक और हेडमास्टर द्वारा तत्काल इसे शुरू किया जाएगा। तो वहीं दूसरे चरण में बच्चों की प्रतिदिन की उपस्थिति भी इसी ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिसके लिए सभी सरकारी स्कूल में टैबलेट या कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार के जिले में रोजगार मेला का हो रहा आयोजन। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार के आरा में बेरोजगार के लिए जॉब कैंप का आयोजन हो रहा है। ये रोजगार मेला आरा के नियोजन कार्यालय में 14 जून को आयोजित होगी। इस दौरान निजी कंपनी मधुसूदन एंड मदरसन ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भर्ती ली जाएगी। ये जॉब कैंप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रहेंगे। इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों द्वारा www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया जाए। इस जॉब कैंप में 10वीं पास से लेकर स्नातक और ITI पास युवा भी भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जॉब कैंप में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेजों को लाना जरूरी है। राज्य में भीषण गर्मी से बचने के लिए सीएम ने विभाग को दिए निर्देश। राज्य में गर्मी और हीट वेव की वजह से उत्पन्न हुई आपदा जैसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारी को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति को पूरा करने और अस्पतालों को अलर्ट पर रखने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। सभी जिलों के संवेदनशील जगहों पर पानी के टैंकर पर्याप्त संख्या में रखने को कहा गया है। तो साथ ही राज्य में भू जल स्तर पर भी नजर बनाए रखने को कहा गया है। दो एक्सप्रेसवे बनने के निर्माण कार्य तेजी से होगा शुरू। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद पेंडिंग कामों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं नई सरकार के गठित होने के तुरंत बाद बिहार को नई सौगात भी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में दो एक्सप्रेसवे बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा गोरखपुर, किशनगंज, सिल्लीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की DPR अविलंब मांगी गई है। इस परियोजना को समय से पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा ये लक्ष्य तय किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में इन दोनों एक्सप्रेसवे के 100-100 किलोमीटर खंड के काम को शुरू कर दिया जाए। बता दें कि DPR भारतमाला परियोजना के तहत इसे बनाया जा रहा है, जो कुछ कारणों से ठंडे बस्ते में चला गया था, जिसका तेजी से निर्माण करने का निर्णय अब केंद्र सरकार के विजन 2047 के तहत लिया गया है। पंचायत वेब सीरीज के विनोद को नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने किया सम्मानित। पंचायत वेब सीरीज में विनोद का कैरेक्टर निभाने वाले और देख रहे विनोद से सोशल मीडिया पर चर्चित मीम्स के जरिए प्रसिद्ध हुए कलाकार अशोक पाठक को मंगलवार को सिवान में नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धियों को सहारा गया। इस मौके पर विनोद की भूमिका को जीवंत करने वाले अभिनेता अशोक पाठक ने पत्रकारों से अपने जीवन चुनौतियों पर रोचक चर्चा की और अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बातों को भी साझा किया। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा इस दिन होगी आयोजित। BPSC द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसे अब 19 जून से लेकर 22 जून तक लिया जाएगा। BPSC द्वारा इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस एग्जाम में गेस्ट टीचरों को भी बैठने का मौका मिलेगा। तीसरे चरण में लिए जा रहे इस परीक्षा में 87,774 शिक्षक पद को भरा जाएगा। बता दें कि सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूलों के प्रधान शिक्षक की परीक्षा क्रमशः 28 और 29 जून को आयोजित की जाएगी। आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आज 12 जून है और हर साल की तरह आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। आज की थीम है चलो अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें।
बाल श्रम को खत्म करें। हर साल 12 जून को बाल श्रम खत्म करने और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है और सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिकों, सिविल सोसाइटी और लोगों को बाल श्रम से मुक्त दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 29 जिलों के प्रभारी मंत्री में हुए बदलाव। आज राज्य के 29 जिलों के प्रभारी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बदल दिया गया है। इसमें वो जिला भी शामिल है जहां से लोकसभा सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। नीतीश सरकार द्वारा जिन जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है उनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हैं। इनमें 9 चेहरों को 22 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि 20 मंत्रियों को एक एक जिले का दायित्व सौंपा गया है। पटना जिला और विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिला आवंटित किया गया है। इस तरह कई अन्य मंत्रियों को जिला आवंटित किया जा चुका है। 15 जून तक बंद रहेंगे सभी कोचिंग संस्थान, पटना जिलाधिकारी का आदेश। भीषण गर्मी की वजह से राज्य के हर जिले में लोगों को का जीना मुहाल है। वहीं इस बीच गर्मी के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए पटना जिलाधिकारी द्वारा बुधवार को बड़ा आदेश जारी किया गया है। पटना जिलाधिकारी ने सभी कोचिंग संस्थानों को 15 जून तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि जिले में चल रही भयंकर हीट वेव की वजह से सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। वहीं अब जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक की ओर से सभी कोचिंग संस्थान को 15 जून तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 16 जून को होगी यूपीएससी सिविल सेवा पीटी की परीक्षा। संघ लोक सेवा की ओर से ली जाने वाली सिविल सर्विस पीटी की परीक्षा 16 जून को राजधानी पटना के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाने वाली है। परीक्षा के संचालन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को पटना समाहरणालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। बता दें कि यूपीएससी सिविल सर्विस पीटी परीक्षा के सफल संचालन के लिए 14 जून को सभी अधिकारियों की ब्रीफिंग की जाएगी, जहां सभी अधिकारियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। वहीं पटना जिलाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जहां उन्हें काम करना होगा। बिहार के विकासात्मक कार्य व पूंजीगत कार्य के लिए केंद्रीय करों में मिली हिस्सेदारी। इस बार जून में बिहार को 14,056.12 करोड़ रुपए की केंद्रीय करों की में हिस्सेदारी मिली है। बिहार को इतने रुपए मिलने से विकासात्मक कार्य और पूंजीगत कार्यों में तेजी आएगी। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि जून 2024 के लिए राजस्व राशि का नियमित हस्तांतरण करने के अलावा एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष राज्यों के करों के हस्तांतरण के लिए अंतरिम बजट में 12,19,783 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम सम्मान निधि योजना से वंचित होने से बचने के लिए किसान जल्द करा ले ये काम। बिहार के सीतामढ़ी के किसान जो सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अगर किसानों का बैंक खाता ईकेवाईसी आधार से लिंक नहीं हो सका है, साथ ही इन किसानों का खाता एनपीसीआई से भी लिंक नहीं है, तो ऐसे किसान पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त की राशि से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जिन भी किसान का आधार कार्ड बैंक के खातों से लिंक नहीं है और ईकेवाईसी आधार से लिंक व एनपीसीआई नहीं हुआ है, वैसे किसान संबंधित बैंक शाखा में जाकर अपने खाते को आधार व एनपीसीआई से लिंक करा लें। सहरसा में 8,63,000 का लूट करने वाले आरोपी का हुआ खुलासा। सहरसा में 8,83,000 की लूट करने वाले आरोपी का हुआ खुलासा। बिहार के सहरसा से लूटपाट का मामला सामने आया है। दरअसल इस लूटकांड में 8,63,000 रुपए लूट लिए गए हैं। इस दौरान एक फाइनेंस कर्मी पर भी चाकू से हमला करने की बात सामने आई है। मामले को लेकर एसपी हिमांशु कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि घटना को लेकर सदर थाने में कांड दर्ज कर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले का खुलासा किया है। एसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि घटना के समय सीसीटीवी में किसी बाइक सवार अपराधी को नहीं देखा गया, इससे पुलिस को भी संदेह हुआ। फिर कथित तौर पर पीड़ित कर्मचारी के बयान में भी विरोधाभास पाया गया। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर से ये लूट के रुपए बरामद हुए। सवाल पूछने पर कर्मी ने कोई ठोस बयान नहीं दिए। हालांकि पूछताछ के बाद उसने भी स्वीकार किया कि ब्रांच मैनेजर के साथ साजिश रचकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है।
अब बीजेपी व जदयू को केवल राजद कांग्रेस ही नहीं जन सुराज का भी करना होगा सामना। लोकसभा चुनाव के बाद अब वर्ष 2025 में बिहार और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव देखने को मिलेगा। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2 अक्टूबर को वे जन सुराज अभियान को पार्टी में बदलेंगे। यदि बीजेपी और जदयू की गठबंधन बिहार के विधानसभा चुनाव तक टिक गई तो इन दोनों ही पार्टियों को राजद और कांग्रेस के साथ जन सुराज पार्टी का भी सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये दावा प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया है। प्रशांत किशोर ने यहां तक दावा किया है कि उनकी पार्टी की इस बार जीत भी होगी। आज भारत अमेरिका के बीच मुकाबला, प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना। आज बुधवार को T20 विश्व कप 2024 के 25वें मुकाबले में भारतीय टीम और मेजबान कंट्री अमेरिका के बीच न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में अभी तक जीतते आई भारतीय टीम का लक्ष्य इस मैच में भी जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी, तो वहीं भारतीय मूल से सजी अमेरिकी टीम की नज़र भी तीसरी जीत पर होगी। आज अमेरिका के खिलाफ खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जहां ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है, वहीं शिवम दुबे की जगह उठ रहे सवाल के बीच यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में उतारा जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जन के नाम है उमेश ऋषिदेव, सुरभि सुमन, राम बाबूदास, रंजीत मिश्रा, गुनर शर्मा, अंशु कुमारी, राकेश मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, सरफराज नवाज, रवि कुमार, अनवर करीम खान, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक आज भारत और अमेरिका के बीच हो रहे मुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।